साथियों, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि मुझे 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें जो भी त्रुटियां होगी उसे आप लोग नादान बालक समझकर माफ करेंगे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी, सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। आज पूरे हिंदुस्तान बच्चा बच्चा के लबों पर नरेंद्र मोदी का नाम है। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, आंखों पर उजला चश्मा और कुर्ता के ऊपर पंटी पहने हुए अक्रियल मूड, यही मोदी की पहचान है। श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इन महान नेता का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी में गुजरात के वडनगर नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम मूलचंद दास मोदी और इनकी माता हीराबेन है। बचपन में वह अपने पिता के साथ वडनगर स्थित रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था। बाद में वह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुटा। वहीं से उसकी प्रतिभा दृष्टि गोचर होने लगा। कड़ी मेहनत व लगन से आरएसएस का स्टार प्रचारक बन गया। फिर उसने बीजेपी में शामिल हुआ। देखते ही देखते मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते ही गुजरात की जनता की खूब सेवा करके गुजरात को गुजरात मॉडल बना दिया। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। अंग्रेजों से मुक्ति मिली तो स्वराज मिला, अंग्रेजों से मुक्ति मिली तो स्वराज मिला, कांग्रेस से मुक्ति मिलेगी तो सुराज मिलेगा। देश कांग्रेस की कर्तुता से खोखला होता जा रहा था। उसी वक्त श्री मोदी ने अपने देश के प्रति एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया। यही वो नेता है जो भारत का विकास कर इनकी गौरव को बढ़ा सकता है। आज मोदी जैसे नेता की भारत माता को जरूरत है, जो गरीबी को बहुत करीब से महसूस किया है। आज श्री मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो अपने को देश पहरेदार मानते हैं। यूं तो नरेंद्र मोदी के कई अन्य लोग यह कहकर विरोध किया कि चाय बेचने वाले देश को नहीं चला सकता, लेकिन भारत वीरों का भूमि है, जहां पर झोपड़ी में पैदा होकर भी देश के शीर्ष स्थान तक मेहनत करके पहुंचा है, जिसका श्री नरेंद्र मोदी जीता जागता मिसाल है, जिनके इरादे हो बुलंद। चांद तारों की रहमत मोदी जी पर वर्षे, चांद तारों की रहमत मोदी जी पर वर्षे, हर कोई मोदी जी की चाहत को तरसे, जनता के जिंदगी में लाए मोदी जी इतनी खुशियां कि जनता गम को तरसे। तेरे साथ गुजरा लम्हा भारत माँ जब भी याद आएगा, तेरे साथ गुजरा लम्हा भारत माँ जब भी याद आएगा, इस जन्म के बाद भी तेरा ख्याल लाएगा, अगर ईश्वर ने बख्शी जिंदगी बार बार तो यह सतीश्वर आप लोगों को हर वर्ष भाषण सुनाएगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने जिस तरह से स्थिरता का कायम किए हैं, शांति बनाया है, काबिले तारीफ है। हमारे व्यवस्थापक बंधु भी बहुत डटकर सामना कर रहे हैं। यही उम्मीद थी हमें भी, ताकि भविष्य में भी हम अगला अब लोगों के सामने इससे अच्छा परफॉर्मेंस, हमने तो सोचा था एक छोटा सा कार्यक्रम कराएं, इसी तरह से उम्मीद रही तो और अच्छे से करवाएंगे। आप लोगों के इसी तरह से साथ की जरूरत हमें। अब अगला रिकॉर्डिंग दास लेके आ रहे हैं रंजीत कुमार, क्लास 10 के छात्र। रंजीत कुमार क्लास 10 के छात्र, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा है, इस गाना को लेकर आ रहे हैं। एक बीच में
हम लोग राष्ट्रगीत के भक्ति गीत के साथ एक रंगीन प्रोग्राम भी इसमें लड़की का रोल निभाने के लिए सुभाष कुमार क्लास 10 के छात्र हैं और सारे चीज व्यवस्थित करते हुए मैं निर्देशक महोदय जिनका नाम श्री ललित कुमार अफसर हेलो तो आप मेरे फ्रॉम पे बैठे और